गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क था। yes, इसमें फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है बताइए। 1,26,000। एक कॉपी दे दो मुझे। One one three six four zero. Yes, sir. Okay. फिर इसके बाद में 1,36,000 126 250 146 400 117 800 120 400 130 800. ये आंसर टैली हो गए आपके। कल हम लोगों ने लास्ट में ही देखा था कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने की जगह पर लॉस बिफोर टैक्स आ जाए तो हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करके जिस ईयर में प्रॉफिट होता है वहां से सेट ऑफ कर लेंगे। ऐसा हम सिर्फ तब करेंगे जब हम ये अज्यूम कर रहे हो कि हमारा न्यू बिजनेस है और इसके अलावा हमारी कोई दूसरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई और बिजनेस पहले से है, सुनिए, जिस बिजनेस के लिए आप कैश फ्लो निकाल रहे हैं वो एग्जिस्टिंग है कि प्रपोज्ड है? जिस बिजनेस के लिए आप कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग है कि प्रपोज्ड है? तभी तो हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम अज्यूम करें कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हमारे पास पहले से है और उस बिजनेस में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो इस प्रपोजल में किसी ईयर में लॉस होने पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। प्रपोज्ड लॉस को एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर लेंगे और वहीं के वहीं टैक्स बेनिफिट ले लेंगे। 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया और 30% का टैक्स रेट है तो हम बोलेंगे 1,00,000 के लॉस पर 30,000 का टैक्स इनफ्लो। मतलब यह नहीं है कि सरकार आएगी और 30,000 रुपए नगद हाथ में देके जाएगी। मतलब यह है कि उस बिजनेस में जो पूरा टैक्स लगता था वो पूरा लगने की जगह 30,000 रुपए कम लगा। एंड यू नो अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज एज गुड एज इनफ्लो। तो कल वाले सॉल्यूशन को मैं एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं जिसमें हमने कहा था, क्या क्वेश्चन नंबर 3 था शायद वो, और उसमें कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो था वो 20-30-40 था क्या? 20-30-40 60-80-100। और फिर उसमें से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया था, इट वॉज -25 -15 -5 एंड 15-35 55। और फिर टैक्स का कॉलम हमने बनाया था और हमने कहा था +10 +6 +2 -6 -14 -22, है ना? और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 15 -15 -9 -3 +9 +21 +33। और फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया था कल 30 36 42 54 66 78।
मैं एक बार आपको और क्लियर करूं कि प्लस 10 कैसे आया. मान लीजिए हमारा एक दूसरा बिजनेस है, दूसरे बिजनेस में मान लीजिए इससे ज्यादा ही प्रॉफिट है जितना है लॉस है. कोई भी एक फिगर अज्यूम कर लो 30 से. दूसरे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट है 30, तो उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा. क्या रेट है टैक्स का? 40%. 30 का 40% करिए 12 का आउटफ्लो होगा हमारा टैक्स का. लेकिन अगर हम सेट ऑफ कर लेने के बाद में देखें, आफ्टर सेट ऑफ, तो 30 का प्रॉफिट, 25 का लॉस, सिर्फ टैक्सेबल प्रॉफिट सिर्फ कितना बचा? 5. अब अगर 5 का प्रॉफिट है तो उस पर 40% के हिसाब से कितना आया? 2. तो जो पहले 12 टैक्स लगता था अब वो सिर्फ कितना टैक्स लग रहा है? 2. कितना टैक्स बच गया? 10. 10 टैक्स बच गया, वही तो लिखा है. सर तो फिर अब आपने दो ट्रीटमेंट बता दिए, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ या फिर इमीडिएट सेट ऑफ. व्हाट शुड वी डू? यू शुड डू इमीडिएट सेट ऑफ इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट. नोट लिख लो एक. वैसे तो नोट्स में सब छपा है लेकिन फिर भी आप लिख लो. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, बेटा ये तो कुछ नया नहीं लिखा है, कल बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा था, आज एक्सप्लेन करने की पर्पज से मैंने दोबारा लिखा है, तो इसको नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये एग्जांपल जरूर मैंने नया लिखा है. फिर इसमें आपका सवाल आएगा, सर ये 30 कहां से लाए? अज्यूम करा कि दूसरे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट है कम से कम उतना जितना यहां पर लॉस है. इतना अज्यूम करने की इसकी जरूरत थोड़ी है नीचे वाले पूरे नोट की. सीरियस बात है, ये 25 का लॉस कहीं जाके सेट ऑफ होगा तो वहां पे हमको 10 का टैक्स कम देना पड़ेगा. एंड दैट इज टैक्स बेनिफिट. टैक्स देना पड़े तो बोलते हैं टैक्स चार्ज, टैक्स बच जाए तो बोलते हैं टैक्स बेनिफिट. टैक्स चार्ज इज आउटफ्लो ऑफ कैश, टैक्स बेनिफिट इज इनफ्लो ऑफ कैश. हाँ, तो आपने लिखा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल अज्यूम दैट. We have other profitable business activities. We have other profitable business activities. Therefore, loss of proposal will be set off. Therefore, loss of proposal will be set off in the same year. हाँ जी, लिख लिया आपने? इसके आगे लिखो. इसके आगे लिखना क्या है, समझ गए ना ये वाली बात? सेम क्वेश्चन है ऐसा, आप होमवर्क में सॉल्व करके लाइए. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर
4. Question number 4 is for your homework. इसको दोनों तरह से सॉल्व करके लाना है आपको. दोनों तरह से मतलब लॉस को सेम ईयर में सेट ऑफ करके भी देखो, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके भी देखो. एग्जाम में दोनों तरह से सॉल्व करके नहीं आना है. एग्जाम में तो ये मानना है कि हमारा दूसरा बिजनेस है, हमको उसमें प्रॉफिट है, इसलिए हम सेम ईयर में सेट ऑफ करेंगे. क्वेश्चन साइलेंट है तब. अच्छा, क्वेश्चन में लिखा आ जाए अ न्यू कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट बिजनेस, तो कैरी फॉरवर्ड या इमीडिएट? कैरी फॉरवर्ड. और क्वेश्चन साइलेंट है तो इमीडिएट कर देंगे. चलो नेक्स्ट. बेटा थोड़ा सा बैग साइड में रखो आप लोग. हाँ, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नोट्स में अगर आपने देखा हो तो शुरू में एक डायग्राम बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट तीन चीजों से मिलकर के बना होता है. देखो पेज नंबर 5 पर, इंटरेस्ट रेट कंप्राइजेस कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, इन्फ्लेशन एंड रिस्क प्रीमियम. सबसे पहले एक बात आप ये समझो कि पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है और वो एक बात है इंटरेस्ट रेट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई ऐसा फॉर्मूला दिमाग पे जोर डाल के याद करो जिसमें कि आर का यूज ना हो. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है पीवी इंटू 1+R की पावर एन. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ए इंटू 1/1+R की पावर एन. रूल ऑफ 72 है 72/R, 69 है 69/R, LR प्लस DL अपॉन DL प्लस DH इंटू HR माइनस LR. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी में नहीं है यार, A इंटू 1+R टू द पावर N माइनस 1/R. बिना आर का एक भी फॉर्मूला नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. सारी महिमा किसकी है? आर की, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आर नहीं है तो क्वेश्चन का कोई पार नहीं है. अगर आर जीरो हो जाए तो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर खत्म. हाउ? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+0 रेस्ट टू द पावर एन, दैट इज 1 to the power n. सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. इफ देर इज नो इंटरेस्ट देन देर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अ रूपी टूडे इज एज गुड एज अ रूपी आफ्टर 1 year. सारा खेल है इंटरेस्ट का. सवाल यह है कि कोई इंटरेस्ट क्यों ले? आप मुझे 1,00,000 रुपए का लोन दो अगर आज, तो क्या आप मुझसे ब्याज मांगोगे? हैं? आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे? शर्म नहीं आएगी आपको? यार तो मेरे से ब्याज लोगे यार. चलो क्यों? क्योंकि मैंने फीस, अच्छा मैं आपकी फीस माफ कर दूंगा फिर नहीं लोगे ब्याज? 1,00,000 रुपए का लोन. अच्छा चलो, जिसने आपसे फीस नहीं ली हो, कोई एक्स वाई जेड पर्सन, मेरे एक रिलेटिव को मैं लाऊंगा, उन्होंने नहीं लिया आपसे फीस, उनसे नहीं लोगे ब्याज ना? तो फिर ये वाला तो कोई स्केल नहीं हुआ कि आप बदला ले रहा है. तो आपने फीस ली तो मैं ब्याज लूंगा? नहीं नहीं, ये तो कोई कारण नहीं है. बताओ क्यों ब्याज लोगे आप मुझसे? उसके ये 3 कारण है. अगर आप अपना पैसा आप आज खर्च कर रहे हैं और मैं आऊं कि मुझे उधार दे दो, तो आप अगले साल तक अपना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे. आपको अपने कंजम्पशन को डेफर करना पड़ रहा है. ऐसा महान त्याग आप मेरे लिए कर रहे हैं. आप एक 25,00,000 रुपए की बाइक अपने के लिए खरीदने जा रहे हैं. हाँ, नहीं आती क्या? आती है ना. तो आप एक 25,00,000 की बाइक खरीदने जा रहे हैं और मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब वो बाइक आपके लिए एक सपना ही रह गई केवल. तो आपको रोज सपने में बाइक आती है.
आपने मेरे लिए त्याग करा तो उस त्याग की कीमत मांगोगे, दैट इज कंपनसेशन फॉर डिफरमेंट ऑफ कंजम्पशन। फिर एक साल बाद बाइक 25 लाख की नहीं आएगी, 26-27 लाख की आएगी, इन्फ्लेशन, उसका कंपनसेशन भी मुझसे मांगोगे। और तीसरा रिस्क प्रीमियम, आप किसी को पैसा उधार दें तो क्या गारंटी कि वो आपका पैसा वापस करेगा? आप खतरा भी तो उठा रहे हो कि आपने जिसको पैसा दिया है वो पैसा खा जाए, उसके लिए आप क्या लेते हो? रिस्क प्रीमियम। उसी से मिलकर बना होता है इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट की वजह से ही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए, और कोई डाउट है आपको? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, दोनों मेथड से सॉल्व करके लाइएगा। फटाफट मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपने लिया सेल्स, उसमें से कौन से एक्सपेंसेस माइनस करें? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कैश एक्सपेंसेस। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के क्या बोल सकते हैं? कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से आपने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों माइनस करा? टैक्स के पर्पस से। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट करा तो आ गया अमाउंट ऑफ टैक्स, उसको आपने करा माइनस, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें एड बैक कर दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया तो डेप्रिसिएशन एड बैक, तो आ गया कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्सो नेम एज CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। वही हमको चाहिए, दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट। लेकिन अगर ब्रैकेट खोल के अगर पुरजे पुरजे अलग कर दो तो सेल्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैश एक्सपेंसेस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 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 डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट। जितने कैश आइटम है ना वो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई होते हैं, जो नॉन कैश है वो टी से मल्टीप्लाई। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पीएटी? पीएटी इक्वल टू पीबीटी इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। व्हाई आर वी कंसीडरिंग इनकम टैक्स? व्हाई डोंट वी सिंपली इग्नोर इट? बिकॉज इट कॉजेस कैश फ्लो। एवरी आइटम विच कॉजेस कैश फ्लो विल बी कंसिडर्ड। अभी सेल्स से कैश फ्लो होता है, कैश एक्सपेंसेस से कैश फ्लो होता है, टैक्स से कैश फ्लो होता है, जिस जिससे भी कैश फ्लो होता है उस कैश फ्लो को हम कंसिडर करेंगे। एक और चीज है जिसकी वजह से कैश फ्लो होता है, उस चीज को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। लिखिए अपने कॉपी में, ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन कैपिटल बजटिंग। इसमें आप लिखें पॉइंट नंबर 1, इट इज एन आउटफ्लो। ऑफ कैश एट ईयर 0। एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल पीएनएल में आती है कि बैलेंस शीट? What is working capital? It is current assets minus current liability. अब बताओ कहाँ आती है? For sure, balance sheet में आती है। तो working capital को आप asset कहोगे कि expenditure? Salary को क्या बोलोगे? Salary पे आपने पैसा लगाया तो asset बन गई कि expense हो गया? Working capital में आपने पैसा लगाया तो वो asset है कि expense है? बेटा आपने बोला कि वो बैलेंस शीट आइटम है मतलब एसेट है, अगर वो पीएनएल आइटम होता मतलब एक्सपेंडिचर। कोई भी डेबिट अगर पीएनएल में जा रहा है मतलब एक्सपेंस है, कोई डेबिट बैलेंस शीट में जा रहा है मतलब एसेट है, क्रेडिट पीएनएल में जा रहा है मतलब इनकम है, क्रेडिट बैलेंस शीट में जा रहा है मतलब लाइबिलिटी है। तो वर्किंग कैपिटल कहाँ का आइटम है? पीएनएल की बैलेंस शीट।
वो डेबिट है तो वो फाइनली एंड द सेम अमाउंट इज ट्रीटेड सेम अमाउंट इज ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो. As an inflow, I'm sorry. And the same amount is treated as an inflow of cash. At the end of life of the project. नहीं, at the end of life of entrepreneur. की project. Entrepreneur तो पता नहीं कब तक चलेगा. Project usually जल्दी खत्म हो जाता. At the end of life of the project. एक तो ये जो है इसको कोई लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, कोई बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और थोड़ा एक्सेंट बनाओ तो एंटरप्रेन्योर. तो ठीक है, बोल सकते. हिंदी भाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको बोलते हैं साहसी. हिंदी और इंग्लिश में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. इंग्लिश में लिखा कुछ और जाता है, उसको पढ़ा कुछ और जाता है. सुनाई तो देता ही नहीं, फिर क्या बोला. हिंदी में जो लिखा है वही पढ़ा जाता है. हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, जिसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, इट इज मोस्ट साइंटिफिक. आपको बारह खड़ी आती है, क ख ग घ, कितने बच्चों को क ख ग घ पूरा आता है, फुल, अ से लेके घ तक. बोल के बताना पड़ेगा, हाथ में माइक दे दूंगा, सोच के हाथ उठाना. ओके चलो बोल के बताओ. अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ क ख ग घ ळ च छ ज झ ट. सही है. अटक गए, चलो कोई बात नहीं. बहुत साइंटिफिक स्क्रिप्ट है. जैसे प फ ब भ म, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट टचिंग योर लिप्स. वो एक साथ क्लासिफाई करें. प फ ब भ म, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट टचिंग योर लिप्स. ट्राई कर लो. तथ दध न, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट टचिंग योर टंग टू द बैक साइड ऑफ टिथ. आप कोशिश कर लो कि टंग को टिथ पे टच नहीं होने दोगे, चाहे जो हो जाए. तथ दध न नहीं बोल सकते. मोस्ट साइंटिफिक रीजन है कि हिंदी संस्कृत से निकली है, एंड संस्कृत इज इवन मोर साइंटिफिक. बट अब क्या करें, हम तो वो भाषा बोलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं. दुनिया तर्कों से नहीं, पैसे से चलती है. तो ज्यादा फैक्ट है ये. आपका सही होना जरूरी नहीं है, आपका पावरफुल होना, आपका धनवान होना ज्यादा जरूरी है, तो आपकी बात सुनी जाएगी. सही गलत के हिसाब से कुछ नहीं चल. इंग्लिश लैंग्वेज है, हम इसको एंटरप्रेन्योर बोलें या एंटरप्रेन्योर बोल दें, सब सही. हाँ, तो कब कब, एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ऑब्वियसली. इनफ्लो, एक बात बताओ, 1,00,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल शुरू में लगी थी, तो डेप्रिसिएट होकर के वो कम भी तो हो जाएगी. वर्किंग कैपिटल में कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रेफरेबल है, SLM के WDV? कोई सही नहीं. यू वांट टू से वर्किंग कैपिटल इज नॉट डेप्रिसिएटेड? व्हाई?
जो रुकता है वही डेप्रिसिएट होता है लाइफ में, जो चलता है, जो अपडेट और अपग्रेड होता है वो डेप्रिसिएट नहीं होता है, जो रुका वो खत्म। फिक्स असेट डेप्रिसिएट होती है क्योंकि वो जो है वो है, लेकिन वर्किंग कैपिटल डेप्रिसिएट नहीं होती क्योंकि वो रोटेट होने की वजह से रिफ्रेश होती। अरे आप एक दुकान में गए, उसको आपने पूछ ही लिया, क्या भैया दुकान चलती नहीं है? बोले क्यों भैया, अच्छी चलती है हमारी तो, जोरदार। बोले क्यों, हम पिछले साल आए थे तो भी माल भरा था, अभी भी माल भर रहा है, बिका नहीं लगता। अरे बोले नहीं नहीं, वो तो 20 बार बिक गया जो पिछले साल आपने देखा था, वो बिका, फिर नया आ गया, फिर बिका, फिर नया आ गया। रोटेशन है, रिफ्रेशमेंट है, इसलिए वो डेप्रिसिएट नहीं होता है। इफ यू डोंट रिफ्रेश, इफ यू डोंट अपडेट योर सेल्फ, देन यू विल बी डेप्रिसिएटेड बाय द पीपल। बट इफ यू अपडेट, अपग्रेड एंड कंटिन्यूअसली रिफ्रेश योर सेल्फ एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, देन यू विल अप्रिसिएट, नॉट डेप्रिसिएट। वर्किंग कैपिटल इसलिए डेप्रिसिएट नहीं होती, इसलिए जितना पैसा आपने लगाया था एंड में उतना ही पैसा आपको वापस मिल भी जाएगा। कोई बोले बिजनेस करने के लिए 5 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए और लाइफ ऑफ बिजनेस इज 5 ईयर्स, तो 0 ईयर में 5 लाख का आउटफ्लो, लास्ट ईयर में 5 लाख का वापस इनफ्लो, ऐसे करना है। समझे? 0 ईयर में आउटफ्लो, लास्ट ईयर में इनफ्लो। फिक्स एसेट में भी ऐसा ही होता है, 0 ईयर में आउटफ्लो, लास्ट ईयर में इनफ्लो, मगर फर्क ये है कि अगर 0 ईयर में 5 लाख का आउटफ्लो होता है तो लास्ट ईयर में 50,000 का इनफ्लो होता है। फिक्स एसेट में अगर 0 ईयर में 5 लाख का आउटफ्लो हो जाए ना, तो लास्ट ईयर में से फॉर एग्जाम्पल 50,000 का इनफ्लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में अगर 0 ईयर में 5 लाख का आउटफ्लो हुआ तो लास्ट ईयर में 5 लाख का ही क्या हो जाता है? इनफ्लो। सर अगर 5 लाख का स्टॉक 6 लाख में बिका तो फिर बेटा वो तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो पीएनएल में आएगा, वो तो हम एनुअल कैश फ्लो में अलग से कंसिडर कर लेंगे। हम तो कॉस्ट की बात कर रहे थे कि उसका कॉस्ट एलिमेंट कहीं डेप्रिसिएट ना हो जाए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन एनी ईयर इज आउटफ्लो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन एनी ईयर इज आउटफ्लो। 5 लाख वर्किंग कैपिटल चली आ रही थी, थर्ड ईयर एंड पे बढ़ के 6 लाख हो गई, तो थर्ड ईयर एंड पे कितना आउटफ्लो? 1 लाख के 6 लाख? 1 लाख, क्योंकि 5 लाख का लेवल तो पहले से मेंटेन था, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना पड़ा, ओनली 1 लाख। बेटा वर्किंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का, और खासतौर से ट्रेडिंग बिजनेस में तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट वर्किंग कैपिटल ही है। अगर आप किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, शर्ट्स की, तो दुकान तो किराए पे ले ली, फर्निश्ड शॉप किराए पे ले ली, उसमें तो कोई पैसा लगा नहीं। अब जो मेजर इन्वेस्टमेंट होना है वो स्टॉक में होना है, डेटर्स में होना है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट ही क्या है? वर्किंग कैपिटल इन मेनी बिजनेस, सो यू नीड टू कंसिडर इट, यू कांट इग्नोर इट। हाँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन एनी ईयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। एंड वाइस वर्सा, समझते हो क्या होवे वाइस वर्सा? मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन एनी ईयर इज इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब अपोजिट टू दिस, इसका उल्टा भी वैसा ही सही है जैसा ये सीधा वाला सही। वर्किंग कैपिटल 5 लाख थी, गिर के 4 लाख हो गई, मतलब 1 लाख रुपीज रिलीज हो गए, पॉकेट में आ गए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू इट। सर वो ना एग्जाम में प्रेजेंटेशन का क्या करना है, उसके कितने नंबर हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बता दिया होगा आपको। एक बहुत बड़ी बीमारी और है, इसको अपने आप से दूर रखना, एक सब्जेक्ट की चीजें दूसरे सब्जेक्ट में ना फैलाएं, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉन गॉट हिज ओन स्टाइल, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ डिलीवरी, डोंट कंपेयर इट।
कुछ चीजें जो मैं करूंगा और लोग नहीं करेंगे, कुछ चीजें जो और लोग करेंगे मैं नहीं करूंगा, मेरा अपना तरीका है। सर आप भी वैसे ही करो ना जैसे वो करते हैं। नहीं, इंडिविजुअलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी सारी। प्रेजेंटेशन के एज फार एज एफएम इज कंसर्न, तो मैं बोलूं तो उसको फिर जनरलाइज करके दूसरे टीचर के पास पहुंच, तरुण सर ने तो बोला प्रेजेंटेशन का को कोई मतलब भी नहीं है, सर फिर आप क्यों करा रहे हो? वहां रिक्वायरमेंट है तो करा रहे हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रेजेंटेशन, नो। प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप साफ सुथरा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं तो आधे क्वेश्चन में पहुंच के आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, काट पीट करके खिचड़ी बना दोगे तो कि मैंने आखिर करा क्या। अच्छे प्रेजेंटेशन का फायदा नंबर एक, हम खुद सुलझे हुए रहते हैं, हम उलझते नहीं हैं। फायदा नंबर दो, कॉपी चेकर आपकी कॉपी में से इजीली फ्लो कर पाता है, अगर वो अटक गया तो आप लटक जाओगे। सुंदर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, टाइडी चाहिए, साफ चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि ये लाइन एकदम स्ट्रेट आए वर्टिकल वाली, ये लाइन नहीं भी है तो भी चलेगा। हाँ, बट कॉलम का टाइटल है और क्लियर। आप क्या समझते हो कि जब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे तो कॉपी चेकर ये करेगा 20, हाँ बराबर, 30 हो गया, 40 सही है, 60, 80, 100, अच्छा चलो अब ये चेक करते, 25, हाँ ठीक है, मॉडल आंसर ये रहा, 15 हो गया, -5, अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, वन कॉपी इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट एफएम दोनों मिला के, वन कॉपी इक्वल टू मैक्सिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम, वो भी आप पूरा अटेम्प्ट करके आए हो तो। आप कम लिख के आए तो 5 मिनट 7 मिनट में भी कॉपी खत्म करेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास। वो क्या चेक करने वाला है मालूम है? ये जो हमने करा है ना, ये हमारे पूरे क्वेश्चन की एक स्टेप है, महज 2 स्टेप और होगी इसके अलावा। वो सिर्फ उसके बाद 400 कॉपी चेक करने को आएगी और पहली 25 कॉपी में उसको आंसर याद हो चुके होंगे। वो यूं देखेगा, 2 नंबर पड़ेगा भी नहीं, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है कि पीएटी लिखा है, सर फिर अपन डायरेक्ट ये लिख दो। क्रांतिकारी विचारों की कमी थोड़ी आपके पास। प्रेजेंटेशन का महत्व कहां पे आता है? कुछ क्वेश्चन एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, तो अगर आप डिविएट हो गए, उसके पास जो मॉडल आंसर है उसमें कुछ अलग तरीका है और आप अलग तरीके से चल दिए, 12 टाइम्स अंडर रूट करके भी रेट निकलता है और इंटरपोलेशन से भी रेट निकलता है, मगर रास्ते अलग कट जाते हैं, बाद में जाके फिर मिल जाते हैं। अगर आप अलग रास्ते पे कट लिए तो फिर क्या होगा कि उसके मॉडल आंसर और आपके प्रेजेंटेशन में आ गया अंतर। इन दैट केस ये सब जो आपने टाइटल्स लिखे हैं, जो फुल फॉर्म में लिखे तो और अच्छा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रदर देन पीएटी, तो वो आपकी बात को समझ पाएगा कि आपने आखिर क्या किया। उसमें भी अपने को कोशिश करना चाहिए कि हम मोस्ट यूजुअल मेथड से एग्जाम में सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपका रास्ता अलग हो गया और आंसर सेम आ गया तो पहले तो देखेगा, अरे यार ये इसने क्या करा है यार, भगवान जाने पागल है यार ये, फिर नीचे जैसे ही आंसर सेम दिखा बोलेगा अरे नहीं इसने कुछ सही तो करा है, फिर वो आपके मेथड को चेक करेगा, फिर आपके ढंग से लिखे हुए टाइटल काम आएंगे। और अगर आपने रास्ता अलग लिया और अनलकीली बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और आंसर भी अलग आ गया, ये होगा। स्टेप मार्किंग होती है, पहले ये समझ लीजिए, आंसर गलत तो नंबर 0, ऐसा नहीं होता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर की 4 स्टेप है, पेपर में डिफाइन नहीं करते हैं वो कौन से स्टेप के कितने नंबर है, न सजेस्टेड आंसर में वो बताते हैं, बट जो कॉपी चेकर के हाथ में आंसर होते हैं उसमें स्टेप पे मार्क्स डाले होते हैं। एंड आई मस्ट कन्फेस कि हमारे इंस्टीट्यूट के पेपर सेटर बहुत पुअर हैं इस मामले में, वो छोटे स्टेप के कई बार बड़े नंबर डिसाइड कर देते हैं और बड़ी स्टेप के छोटे, ऐसा भी होता है, बट लेट इट बी यार, छोड़ो उसकी बात हम ना करें। हर स्टेप के नंबर डिफाइंड होते हैं, हाँ लेकिन अगर स्टेप के कास्केडिंग इफेक्ट आ गए तो पूरे भी खत्म हो जाओगे आप। अगर एक क्वेश्चन में 4 स्टेप है
और चारों स्टेप इंडिपेंडेंट है और लास्ट में जाके सब स्टेप कंपाइल हो जाती है. तो दो स्टेप सही और दो गलत, तो दो स्टेप के नंबर मिलेंगे, दो के कटेंगे. मगर कहीं क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेप वन का फिगर स्टेप टू का इनपुट है और स्टेप टू का फिगर थ्री का इनपुट है और थ्री का आउटपुट फोर का इनपुट है और स्टेप वन में जो पहला इनपुट दिया वो फिगर आपने गलत लिख लिया. ताश का महल है फिर तो ये, नीचे से एक पत्ता खींच लो भरभरा के पूरा गिर जाएगा, तब सारी स्टेप के नंबर उड़ जाएंगे. सर कम से कम उसको ये देखना चाहिए ना कि हमारी प्रोसीजर तो सही है, फार्मूले के नंबर तो दे दे. ये टेबल बनाई, इतनी लाइन खींची, देखो सी एफ बी टी सही लिखा ना, इसके नंबर तो दे सी एफ बी टी. नहीं, उतना नहीं दे पाएगा. प्रेजेंटेशन के मायने सिर्फ इतने कि आप खुद कंफ्यूज ना हो और कॉपी चेकर आपकी कॉपी में इजीली फ्लो कर सके, उसको बार बार अटकना ना पड़े. सर तो फिर भी आप दो चार फॉर्मेट तो फिक्स कर दो. बेटा रटने वाले मर जाते हैं. टीवी में ऐड आता ना, बच्चा निबंध याद करके जाता है, गाय का निबंध, माय काऊ याद करके जाता है, माय फादर आ जाता है, माय फादर इज द बेस्ट पेट एनिमल, ही गिव्स मिल्क. वैसी हालत हो जाएगी आपकी. फॉर्मेट रटा और आप मरे, क्योंकि वहां तो कुछ और आएगा, उसको इस फॉर्मेट में फिट करोगे तो गए काम से. रटने का इतना ही शौक है तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको और लोग भी पढ़ाएंगे, वो रटिए, उसमें कोई चॉइस नहीं. ओके, प्रेजेंटेशन जब जहां जितनी जरूरत है मैं बना के दूंगा. फर्क इतना है कि मैं साफ सुथरा नहीं बनाऊंगा, आप साफ सुथरा बनाएंगे, अच्छे से लाइन खींचेंगे, इधर भी लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे, इसका सिर बंद करेंगे, यहां लिखेंगे रुपीज इन थाउजेंड, यहां इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, मतलब थोड़ा अच्छा प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन वाला काम आपका, स्ट्रक्चर वाला काम मेरा. स्ट्रक्चर मैं दूंगा कि कहां कॉलम आएगा, कहां बीम आएगी, कहां छत डलेगी, अंदर कैसी टाइल लगानी है आपको और इंटीरियर डिजाइन उसका कैसे करना है, वो आपका काम. मैं आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आप इंटीरियर डिजाइनर, वो आपके ऊपर छोड़ा मैंने. चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड आउट कैश फ्लो इफ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड इन द बिजनेस इज एज फॉलोज. वर्किंग कैपिटल 25,000, 45,000, 45,000, 5,000 एंड जीरो. तो इसमें हम ले लेते हैं, देखिए ईयर 0, 1, 2, 3, 4, एक कॉलम बना लेते हैं कैश फ्लो का. नाउ लिसन केयरफुली, जीरो ईयर पे बिजनेस स्टार्ट करते समय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में 25,000 है, मतलब हमको अपनी पॉकेट से 25,000 लगाना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल का लेवल 25,000 से बढ़ के 45,000 हो गया है, तो 25 to 45 हो गया है, मतलब 20,000 और हमको अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सेकेंड ईयर में 45 का 45 ही रह गया है, दिस इज जीरो. फिर 5,000 रह गया, मतलब 40,000 वहां से रिलीज होके हमारी पॉकेट में आ गया. और अब बिजनेस जब बंद होगा ना, तो बोलने की जरूरत नहीं, बिजनेस बंद होगा तो सारी एसेट रिलीज हो जाएगी इंक्लूडिंग द रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल और रिक्वायरमेंट बचेगी जीरो, तो बचा हुआ 5,000 रुपए इनफ्लो. सर तो मतलब वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा लगता है उतना ही वापस मिल जाता है. बिल्कुल सही पहचाना आपने, 25 और 20 45 और 40 और 5 45, जितना लगता है उतना ही मिल जाता है. सर तो जब टोटल जीरो आ रहा है तो बेकार मगजमारी का एको कर रहे हो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको कंसिडर करने के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं. वर्किंग कैपिटल जितनी लगती है उतनी वापस मिल, यू नीड टू कंसिडर इट. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फॉर योर होमवर्क, बहुत इजी है. हाँ, इसमें इतना ही था एक्चुअली. और सर कितने नंबर का आता है ये बेटा? 16 मार्क्स का आता है ये आता ही नहीं है, ये तो एक कंसेप्ट चेकर है.
मैंने एक नोट लिखाया तो उस नोट को सपोर्ट करने के लिए कुछ फिगर्स दे दिए। अब हम लोग कैपिटल बजटिंग की पहली मेथड पढ़ रहे हैं, पे बैक पीरियड मेथड। लिखिए अपनी कॉपी में, पे बैक पीरियड मेथड। हाँ जी बोलिए। ये वाला नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुन लो। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 25,000 जीरो ईयर में, ऐसा क्वेश्चन भी दिया है। देखो तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपका पैसा लगेगा। कोई बोले बिजनेस में एक कार खरीदनी पड़ेगी तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है कि इनफ्लो? तो बस वर्किंग कैपिटल भी क्या है, आउटफ्लो। फिर बोले कार एक नहीं दो लगेगी तो और एक कार का आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल 25 नहीं 45 लगेगी, तो 25,000 आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और कितना लगाना है, 20,000। फिर 45 ही रहेगी तो कोई कैश फ्लो नहीं है। फिर रिड्यूस होके 5,000 रह जाएगी, मतलब बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का लेवल क्या हो गया, कम। वहां से पैसा फ्री हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, इनफ्लो। फिर खत्म हो गई वर्किंग कैपिटल तो बचा हुआ भी इनफ्लो। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई बिजनेस करें या ना करें, ए और बी दो बिजनेस हैं उसमें से कौन सा करें, ऐसे डिसीजन। डिसीजन के लिए पहली मेथड हम पढ़ रहे हैं, 7 मेथड के नाम हमने लिखे थे। पहली मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, बहुत सिंपल मेथड है। बिजनेस में इनिशियली जितना पैसा आपने लगाया था वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए तो अच्छा, कि लेट रिकवर हो तो अच्छा। सूनर द बेटर और लेटर द बेटर। हाँ, पैसा लगाया और अगले साल से धड़ाधड़ कमाना शुरू कर दिया, इधर लगाया उधर निकाल। सीए बनने के बाद पहले साल में आप जो पैसा कमाओगे ना उसमें सीए बनने में जितना खर्च हुआ था उससे ज्यादा वसूल हो जाएगा, एक साल से भी कम पीरियड में। बाकी कोई बिजनेस में इतना फास्टर पे बैक, इसको बोलते हैं पे बैक। इसका नाम क्या है, पे बैक मतलब पैसा वापस आ गया। पे बैक पीरियड मतलब पैसा कितने समय में वापस आ गया। सपोज एक बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,00,000, उसमें एनुअल कैश फ्लो निकाला आपने कुछ इस तरह से, ये 30-36 उसमें बराबर बराबर आया है। एक बिजनेस में इनिशियल कैश फ्लो हुआ 1,00,000 और हर साल 20,000 रुपए आप कमा रहे हो तो कितने साल लग जाएंगे 1,00,000 वसूल करने को। सो 5 years इज द पे बैक पीरियड। देखो नोट्स में एक डेफिनेशन लिखिए पेज नंबर 13 पर, द पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल कैश आउटले ऑन द प्रोजेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। व्हेन एनुअल कैश इनफ्लो इज अ कॉन्स्टेंट अमाउंट, द पे बैक पीरियड इज सिंपली इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। फॉर्मूला बन गया है तो, इनिशियल आउटफ्लो 1,00,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो 20,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज 5 years। हाँ, एक सवाल डाउट सेशन मेरे पास आ रहा है फ्रीक्वेंटली आज डे, इसलिए यहीं पर आंसर कर देता हूँ। सर एक तो वो स्टडी मटेरियल जो ICAI का है उसमें से कब से पढ़ना शुरू करें, और एक प्रैक्टिस मैनुअल आया है उसका क्या करना। एक आधा मीटर का लाल कपड़ा खरीदो, उसको एक साफ सुथरी टेबल पर बिछाओ, उसमें FM का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, CLBL के मेरे वाले पोर्शन का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एक के ऊपर एक रखो, कपड़े से उसको बांध दो, पूजा घर में रख दो, उस पर रोज अगरबत्ती घुमाओ, इससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। मेरे सब्जेक्ट्स में
मेरे पढ़ाए हुए के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है. गॉट इट? हाँ, बेच दो एलेक्स पे. पर प्रॉब्लम यह है कि पिछली सारी बैच को मैं ये बात बता चुका हूं, तो खरीदार कोई नहीं मिलेगा. तो इट्स लाइक सर, तो फिर व्हाट अबाउट पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस? जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैन्यूअल है ना, उसमें गलतियां हैं, वो आपको कंफ्यूज करेगी. लेकिन मैंने करेक्टेड प्रैक्टिस मैन्यूअल बना दिया है, जिसमें पिछले 20-25 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन भी हैं. अगर आप लेना चाहें तो मैंने क्वेश्चन की अलग बुकलेट बना दी, सॉल्यूशन के अलग. यू कैन गेट इट फोटोकॉपीड, इट इज अवेलेबल एट फोटोकॉपी शॉप. नहीं सर, हम तो इंस्टीट्यूट वाले ही कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं, मना नहीं है. पर उस इतना कैलिबर आप में होना चाहिए कि उसमें जो गलत सॉल्यूशन दिए हों आप उनको पहचान सकें और ठीक कर सकें, तब तो कोई बात ही नहीं. बट अगर आपको करेक्टेड चाहिए, तो मैंने करेक्शंस करके अपना खुद का एक प्रैक्टिस मैनुअल भी बना दिया है, वो फोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल करवाया है, उसको आप फोटोकॉपी जरूरत पड़ने पे करवा सकते हैं. बट नो ICI पब्लिकेशंस इन ऑल माय सब्जेक्ट्स. ओके सर, फिर ये तो बहुत कम है, इतना इतना सा आप पढ़ा रहे हो, हम घर जाके क्या पढ़े? थोड़ा रुको, इसका उल्टा होने वाला है बहुत जल्दी. सर इतना होता है घर पे पढ़ने को, हम भी तो इंसान हैं. हु सेड नो? CIPCC स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होगा, टोटल इनह्यूमन ट्रीटमेंट. ए बैच स्पेशली ओनली इनह्यूमन ट्रीटमेंट. इफ यू आर अनकंफर्टेबल, शिफ्ट टू अदर बैच. चलिए सर, डरा रहे हो? हाँ नहीं, वैसे डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट है, बता रहा हूं. अब आप डर गए तो आप जानो. चलो एक फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में. पे बैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब शुरुआत में जितना पैसा आपका लगा, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो. ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज करेंगे जब एनुअल कैश इनफ्लो इवन है. अगर अनइवन है तो दूसरा मेथड है, वो फिर फॉर्मूला से नहीं होगा. तो जहां आपने लिखा ना पे बैक पीरियड इक्वल टू, तो पे बैक पीरियड के साथ ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ इवन कैश फ्लोस, इवन एनुअल कैश फ्लोस, इन केस ऑफ इवन एनुअल कैश फ्लोस. अच्छा, डिसीजन कैसे लेंगे? सुनिए, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं. जरा देखना अपने नोट्स में पेज नंबर 10 पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजल्स मिला क्या आपको? तीन तरह के प्रपोजल दिए हैं. पहला लिखा है इंडिपेंडेंट प्रपोजल, दूसरा लिखा है डिपेंडेंट प्रपोजल, उसको कट कर दो, और तीसरा लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल. बेसिकली कैपिटल बजटिंग प्रपोजल, प्रपोजल समझते, प्रस्ताव. हाँ, मतलब प्रपोजल मतलब पास्ट या फ्यूचर. चलो, किसी ने प्रपोज किया है आपको, आई मीन टू से बिजनेस प्रपोजल, यार मतलब बिजनेस प्रपोजल किसी ने आपको दिया है और आपको हाँ या ना कहना है. आपके सामने एक बिजनेस प्रपोजल है और आपको डिसीजन लेना है. दो तरह के प्रपोजल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल. इंडिपेंडेंट प्रपोजल का मतलब क्या हो गया कि जब आप एग्जाम दोगे और आपके रूम में जहां आप पेपर देने बैठे हैं
अगर आपके आगे बैठा हुआ लड़का पास हो गया मतलब आप फेल, तो कोई एक ही पास होगा यार? सब पास हो सकते हैं क्या? सब फेल हो सकते हैं क्या? सब पास भी हो सकते हैं, सब फेल भी हो सकते हैं। आपका रिजल्ट किसी और के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है। जब आपका रिजल्ट किसी और के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है तो प्रपोजल क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट। डिसीजन कैसे लेंगे फिर? कंपटीशन ही नहीं है तो डिसीजन कैसे लेंगे? बेस्ट को तो चूज कर नहीं रहे आप। कट ऑफ डिसीजन कैसे होता है? कट ऑफ। इफ यू स्कोर 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इंडिविजुअली, 50% का कट ऑफ है, जो उसको पार कर जाएगा वो पास। इंडिपेंडेंट प्रपोजल में डिसीजन किस भी बेस पर होता है? कट ऑफ। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जॉब इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू एक पोस्ट थी उनके पास खाली, 15 लाख का पैकेज था, बहुत हो गया 15 लाख मतलब, अभी डेलॉइट लेके गया है 6.5 लाख, हाँ 6.5 एवरेज क्या हो रहा है वही मानो लगभग, डेलॉइट लेके गया 6.5, फिर मैंने आपको कितना बताया 15 लाख। एक आदमी की रिक्वायरमेंट है, उनको 10 लोग इंटरव्यू देने आ गए, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप में ऐसी क्या बात है कि आपको इस जॉब के लिए रख लिया जाए, आपने ये कॉलर ऊंचे करके बोला आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोले बेटा बाहर 9 और बैठे हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए से सीए कैंसल। अब बता तेरे में ऐसा क्या खास है? बिलीव मी डिग्री इज ए गेट पास ओनली। इंटरव्यू में जाने का मौका आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास डिग्री है, पर उसके आगे आपका कम्युनिकेशन, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज, अप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ में आप कितनी समझ रखते हो उसी पर सिलेक्शन होगा और आगे की ग्रोथ भी होगी। समझ गए आप? चलो वापस मुद्दे पे आए। अगर जॉब इंटरव्यू आप देने गए और वहां 10 लोग और अगर उनमें से एक सिलेक्ट हो गया तो बच्चे वे 9 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। इनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। ओलंपिक में अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, और अगर आपको गोल्ड मेडल मिल गया है तो बचे हुए 15 लोगों का क्या? उनको गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा, वो रेस के बाहर एज फार एज गोल्ड मेडल इज कंसर्न। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इंडिपेंडेंट प्रपोजल का मतलब हो गया कि सबका डिसीजन अलग 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 होगा। हाँ चलो वापस इधर आ जाओ पे बैक में। अगर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं, एक का पे बैक पीरियड 5 ईयर्स है, प्रपोजल ए पे बैक पीरियड 5 ईयर्स, प्रपोजल बी पे बैक पीरियड 3 ईयर्स, विच वन इज बेटर? शॉर्टर द बेटर, छोटा वाला अच्छा है। हाँ 3 साल में फटाफट पैसा वसूल, पैसा वसूल तो मतलब मजा आ गया। और दूसरे वाले में कितना लगेंगे? 5 साल लगेंगे, तो उसको हम कर देंगे रिजेक्ट। अगर एक सिंगल इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, उसका पे बैक 4 साल 3 महीने है, सिंगल इंडिपेंडेंट, बताओ एक्सेप्ट या रिजेक्ट? कट ऑफ बताऊं, कट ऑफ है 5 ईयर्स। इधर से जवाब नहीं आया, राइट हैंड पीछे, क्यों एक्सेप्ट? कट ऑफ है 5, मतलब 5 साल तक वाले को हम एक्सेप्ट करेंगे, और ये तो 4 साल 3 महीने है तो ये जरूर एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A Limited wants to purchase 1 machine out of 2 machines, X and Y. A Limited को X और Y 2 machine में से 1 machine खरीदना है. Following information is available in respect of these 2 machines. Machine X और Y दोनों की life 10-10 साल है. Cost of machine 1-3 लाख की है और 1-5 लाख की. ये mutually exclusive है कि independent है?
वोट कर लेते हैं। कितने बच्चे बोलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं? कितने बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रपोजल है? क्यों लगा आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? वन मशीन आउट ऑफ टू मशीन्स, लेना एक ही है, ये तय है, इसलिए हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब दोनों में से कोई भी मशीन आपका काम कर सकती है और दोनों की लाइफ ही 10 साल है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्स 3 लाख की है, वाई 5 लाख की, 3 लाख में काम हो रहा है तो 5 का एक को लगाओ, फैसला यही हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लाख वाली 3 लाख में लग तो जाए, बाद में फुस हो जाए, और 5 लाख वाली 5 में लगे और बाद में ये बम्पर अमाउंट कमा कमा करके दे हमको, तो कमाई भी देखनी पड़ेगी बिसाइड्स द इन्वेस्टमेंट। अरे आपका दोस्त चिढ़ा रहा है आपको जो बीकॉम कर रहा है, सीए नहीं कर रहा है, सीबीडी में फेल हो गया, उसने डिसाइड करा बीकॉम करे, वो चिढ़ा रहा है, देख तू पागल इतने घंटे पढ़ता है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तूने तेरी लाइफ बर्बाद कर ली, स्पॉइल्ड योर लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सही बोल रहा है ना वो? अपन बोलेंगे 10 साल बाद 5 साल बाद मिलना, तब देखते हैं, मालूम पड़ेगा किसने स्पॉइल करी लाइफ। बात कर रिटर्न भी तो देखना पड़ेगा, हो सकता है तब मालूम पड़े कि हाँ एक्चुअली स्पॉइल कर ली। यू नेवर नो ना यार, वो तो भविष्य ही बताएगा, आज क्या बताएं हम। एडिशनल सुपरविजन कॉस्ट, अभी तक शायद आप ये मशीन एक्स लगाओगे ना तो एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, और सुपरवाइजर को आपको हर साल 24,000 रुपीज देना पड़ेगा, ये एनुअल कैश आउटफ्लो है। एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन लगाओगे तो मशीन मेंटेन भी करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस पर ईयर, खर्चा ही खर्चा हो रहा था, इनकम की बात पहली बार हुई। एक तो मशीन खरीदने का वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर सुपरवाइजर की हर साल की सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीन का हर साल का मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा है तो फिर फायदा क्या? फायदा है कि जो काम लेबर करती थी वो काम कौन करेगा? मशीन। तो अब आपको वेजेस पे नहीं करनी पड़ेगी, तो नहीं करनी पड़ेगी तो क्या मजदूर आके अपने को तनख्वाह दे के जाएंगे हर महीने? फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, जाने से रोक लिया। अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज सेम एज इनफ्लो, हर साल इनफ्लो होगा 1,38,000 मशीन एक्स में, और मशीन वाई महंगी वाली मशीन में तो और ज्यादा सेविंग होगी 1,79,000। एक्सप्लेन विच मशीन इज टू बी परचेज आउट ऑफ द अबव ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, इग्नोर टैक्सेशन। वाई? चलो आपने जो भी सॉल्व कर लिया हो, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप एक नोट लिख लो, इफ द क्वेश्चन सेज इग्नोर टैक्सेशन, देन पॉइंट नंबर 1, इग्नोर इनकम टैक्स, देन पॉइंट नंबर 1, इग्नोर इनकम टैक्स। टैक्सेशन इग्नोर करो मतलब एक्साइज ड्यूटी इग्नोर करने को थोड़े बोले, टैक्सेशन इग्नोर करो मतलब इनकम टैक्स इग्नोर करो। नंबर 2, इग्नोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने बोला इग्नोर टैक्सेशन, हमने बोला हाँ हाँ पक्का डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे। अरे भाई तेरे को बोला इनकम टैक्स इग्नोर कर, तेरे कान खराब क्या? ये सही है, डेप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि टैक्स में उसका बेनिफिट मिल सके, उसको माइनस करने के बाद इनफैक्ट वापस प्लस भी कर देते। अब जब टैक्स ही नहीं है और शॉर्टकट फॉर्मूला से भी जाओ तो डी इंटू टी होता है, अब जब टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे। और थर्ड पॉइंट लिखो, इग्नोर
टैक्स ऑन कैपिटल गेन. जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो आपको बताया जाएगा कि एक कैपिटल गेन नाम की भी चीज होती है. आपने शर्ट की दुकान खोली, शर्ट खरीदे, शर्ट बेचे, 300 रुपए में शर्ट खरीदा, 500 रुपए में शर्ट बेचा, तो शर्ट बेच के जो 200 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ ये बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्रॉफिट. 5 साल तक आपने दुकान चलाई, दुकान खोलते समय आपने फर्नीचर खरीदा था शोरूम के लिए, 5 साल बाद आपने शर्ट बेचते बेचते एक दिन फर्नीचर ही बेच दिया, वो भी प्रॉफिट में बिक गया, जितनी बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा में. क्या ये बिजनेस प्रॉफिट है? दिस इज कैपिटल गेन. कैपिटल नेचर की एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं. उस पर भी टैक्स लगता है. सरकार बोलती बिजनेस इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, कैपिटल गेन पर भी टैक्स लगेगा. ऐसा पढ़ाएंगे इनकम टैक्स में आपको? बताया कुछ? बताएंगे तो वो भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब इनकम टैक्स इग्नोर हो रहा है तो फिर कैपिटल गेन पर भी टैक्स नहीं लगेगा. क्वेश्चन बोले इग्नोर टैक्स, तो ये सारी चीजें हम एक साथ इग्नोर कर देंगे. फिर तो CFBT ही CFAT है. कैश फ्लो बिफोर टैक्स इज सेम एज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज सिंपली सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस. अब जरूरी नहीं है कि इनफ्लो सेल्स के नाम से ही हो. कैश फ्लो बिफोर टैक्स, सुनो हमने क्या बोला था, कैश फ्लो बिफोर टैक्स इज सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस मत बोलो. कैश फ्लो बिफोर टैक्स इज कैश इनकम माइनस कैश एक्सपेंसेस. जरूरी नहीं है कि सेल से इनकम हो. अब जैसे यहां वेजेस बच रही है, सेव हो रही है, तो वो भी तो अपने आप में क्या है, इनकम. देखो कैसे करेंगे, हम एक टेबल बना देते हैं. एक प्रोजेक्ट एक्स है, एक प्रोजेक्ट वाई है. सेविंग एक्स में है 1,38,000, वाई में 1,79,000. आप जब एग्जाम में करेंगे तो थोड़ा ऐसे लाइनें खींच देना. मैंने नहीं खींची ना, ये ऐसे लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी वाली भी लाइन. इसमें से माइनस कर लेते हैं सुपरविजन कॉस्ट 24,000, और इधर कितना 32. फिर माइनस कर लेते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, कितना 40,000 and 22,000. हमने क्या करा कि कैश इनकम माइनस कैश एक्सपेंसेस कर दिया, तो आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स. पर असल में यही कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी है. इसको और कुछ नाम भी दे सकते हैं, हम इसको नाम देते हैं एनुअल कैश फ्लो. कितना आया पहले केस में? 1,00,000. दूसरे में 1,25,000. अब पे बैक पीरियड की बात करें, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कितना है पहले केस में? 3,00,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो 1,00,000. सो दिस इज 3 years. और दूसरे केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000. सो दिस इज इक्वल टू 4 years.
एक्स इज बेटर क्योंकि उसका पी बैक पीरियड कम है. कॉस्ट क्यों कंसिडर करिए? हाँ बताता हूं मैं आपको पहले एक फॉर्मेट याद दिलाता हूं. हमने कहा था सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस इक्वल टू सीएफबीटी. एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं सारे. सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस इक्वल टू सीएफबीटी. क्या ये बात याद है आपको? दिस इज कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दूसरा हमने बोला था कैश फ्लो बिफोर टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तीसरा फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू वन माइनस टैक्स रेट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू वन माइनस टैक्स रेट. दोनों ही से क्या निकल के आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. बेटा सेल्स बोलने का मतलब था कि हमको मिलने वाला कैश. शर्ट बेचने से कैश अपने पास आता है, शर्ट खरीदने से कैश अपने पास से जाता है. तो ये सेल्स एक इंडिकेशन था. सेल्स मतलब आने वाला कैश और कैश एक्सपेंसेस मतलब जाने वाला कैश. रेवेन्यू नेचर का कैश इनफ्लो, रेवेन्यू नेचर का कैश आउटफ्लो. आप जैसे ही मशीन लगा लेते हैं तो वर्कर्स को वेजेस नहीं देनी पड़ती है, तो वो पैसे अब आपके बच जाते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ कैश इनफ्लो. वेजेस रेवेन्यू नेचर का आइटम है कि कैपिटल नेचर का? अब फिलहाल यहां वेजेस हमारे लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो? मशीन लगा लेने की वजह से वेजेस इनफ्लो है कि आउटफ्लो? इनफ्लो. तो जहां सेल्स लिखनी है वहां वेजेस लिख ली हमने 1,38,000 माइनस कैश एक्सपेंसेस. कल हमने शर्ट खरीदा था वो माइनस करा, रेंट माइनस करा और नौकर की सैलरी माइनस करी क्योंकि वो सब हमको देना पड़ता है. फिक्स कॉस्ट माइनस करी. अब बेटा कैश एक्सपेंसेस मैंने कल भी बोला किसी भी नाम से हो सकते हैं. वो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के नाम से हो सकते हैं. वो परचेसेस, पहले मुझे खत्म कर लें दो, वो परचेसेस सैलरी रेंट के नाम से हो सकते हैं. वो फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस के नाम से हो सकते हैं. नाम कुछ भी हो, सवाल यह है कि वो खर्च होना चाहिए और उसकी वजह से हमारे पास से पैसा जाना चाहिए. यहां पर सुपरवाइजर को आप 24,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं एंड इसके अलावा आप दे रहे हैं मशीन के मेंटेनेंस. मशीन है ना, वर्कर में टूट फूट नहीं होती पर मशीन में टूट फूट होगी. तो मैकेनिक आएगा उसको ठीक करके जाएगा, उसका कितना रुपया देंगे? 14,000. इट अपीयर्स कि दोनों ही फिक्स कॉस्ट ही है और इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं. ओके तो ये सेल्स मतलब कैश इनकम और एक्सपेंसेस मतलब कैश एक्सपेंसेस माइनस कर लिया तो आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स 1,00,000. पर सर कैश फ्लो बिफोर टैक्स पे रुक गया, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं फिर माइनस टैक्स करते हैं फिर एड बैक डेप्रिसिएशन. चूंकि टैक्स नहीं है तो जो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है वही कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. अब आप पूछिए जो 3,00,000 की हम मशीन खरीदेंगे वो भी तो आउटफ्लो होगा? बिल्कुल होगा. पर हमारा फॉर्मूला क्या है? इनिशियल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. एक तो सबसे पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझिए. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? फिक्स्ड कॉस्ट नेचर में रेवेन्यू होती है. एक एग्जांपल लो, आपने एक दुकान किराए पे ली, हर साल उसका किराया देते हो आप 3,00,000 रुपए. बैलेंस शीट में जाएगा कि पी एंड एल में? आपने 30,00,000 रुपए देके एक दुकान खरीद ली, बैलेंस शीट में कि पी एंड एल में?
वो जो फिक्स कॉस्ट आपने माइनस करी थी शर्ट की दुकान में, वो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी को दिया गया किराया था, रिकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर. रिकरिंग से भी बेटर है वो क्या था, रेवेन्यू नेचर. लेकिन अगर आप एक दुकान ही खरीद लेते तो क्या उसको दुकान को सेल्स में से माइनस करते? सेल्स माइनस शॉप इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा करते क्या? नहीं. समझ गए आप? इसलिए जो मशीन खरीदी है ना उसको सेल्स में से, आई मीन वेजेस में से माइनस नहीं करेंगे. नोट लिख लें क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिक्स कॉस्ट अलग बात है? लिख लो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट There is a difference between fixed cost and capital expenditure. If you pay rent of rupees 3 lakh per annum, for a shop, if you pay rent of rupees 3 lakh per annum for a shop, it is a fixed cost. बेटा fixed cost इसको इसलिए बोलते हैं कि दुकान में से आप कम यूनिट बेचें या ज्यादा यूनिट बेचें, इन एनी केस आपको दुकान का किराया तो उतना ही रहना है. अभी जैसे रिजल्ट आया सलोनी जिंदल AIR 2, तो हम जाएं उनसे बोले 5 लाख रुपए दो फीस, हमने जो पढ़ाया उससे आपकी इतनी जोरदार वाली रैंक आई है तो पैसे दो, और जो फेल हो जाए वो हमारे पास आए सर पैसे वापस करो. नो, द फीस यू आर पेइंग और यू हैव पेड इज अ फिक्स कॉस्ट. अब इसमें से जितना आउटपुट ले सकते हो ले लो, आप पर ही है. खूब पढ़ाई करो तो आपकी जो कॉस्ट है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपने दे दिया है उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा. हाँ, तो आपने क्या लिखा, फिक्स कॉस्ट मींस अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मींस अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी पोस्टेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट विल बी पोस्टेड to the profit and loss account. Paragraph change. But if you pay rupees 1 crore today to purchase that shop, then it is a capital expenditure. Then it is a capital expenditure and will be posted to the balance sheet. Capital expenditure and will be posted to the balance sheet. ये शॉप भी जाएगी पीएनएल में, मगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. इस शॉप की लाइफ है 20 साल, 25 साल, 30 साल. इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा के थोड़ा थोड़ा इस दुकान को थोड़ा थोड़ा तोड़ के पीएनएल में डालते जाएंगे. सर क्या पहले शटर तोड़ेंगे कि दीवार? नहीं नहीं, दुकान नहीं तोड़ेंगे, उसके अमाउंट को तोड़ेंगे. थोड़ा थोड़ा अमाउंट तोड़ के पीएनएल में तो जाएगी अल्टीमेटली. ओके, बताइए इस क्वेश्चन में और कोई डिफिकल्टी आप? विच मशीन इज बेटर, एक्स और वाई? एक्स इज बेटर. क्यों? क्योंकि उसमें फास्टर पे बैक है, फटाफट अपना पैसा वापस आ गया. एस्टिमेटेड लाइफ डिफरेंट हो मतलब? नहीं बेटा, लाइफ कुछ भी हो, पे बैक पीरियड मेथड में जो डिसीजन आएगा
सर ये 10-10 साल होने की जगह 8 और 10 साल होती और 12 और 10 साल होती तो क्या होता? कुछ नहीं. पे बैक पीरियड मेथड पे बैक के बियॉन्ड दिखता ही नहीं है. पे बैक पीरियड मेथड को तो पहले 3-4 साल से मतलब है, बाद में चूल्हे में जाए प्रोजेक्ट. ये इसकी कमजोरी भी है. देखो ना ऊपर पॉइंट आप पढ़ो, पे बैक के फायदे नुकसान दिखे आपको. एडवांटेजेस में देखो पे बैक में क्या लिखा है. पहला पॉइंट पढ़ो, इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे सिंपल मेथड यही है, एन सिंपल टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन भी आसान. दूसरा फायदा जो आपको अभी समझ में शायद कम आए, इट गिव्स अ रफ एंड रेडी आइडिया ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट. कैपिटल बजटिंग की बाकी कोई भी मेथड प्रोजेक्ट की रिस्क को कंसिडर नहीं करती है. दिस इज द ओनली मेथड जो रिस्क कंसिडर करती है. बेटा ये प्रोजेक्ट ऐसे, सॉरी ये मेथड ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है जिसका पे बैक शॉर्ट हो, तो रिस्क अपने आप ही कम हो जाती है. फटाफट अपना पैसा अपनी जेब में भर लिया अपने ने, बाद में राम जाने क्या हो. क्या कहते हो आप? अरे मान लो एक का पे बैक 3 साल, एक का पे बैक मान लो 5 साल. लोग बोल रहे हैं 3 साल वाला पे बैक के एंगल से अच्छा है, बाकी तो बेकार है. 5वें साल से तो मतलब 3 साल के बाद ये बहुत धीरे धीरे चल के कम कम कमा के देगा. और जो 5 साल वाला है ना, इसमें भले ही पे बैक लेट आएगा पर बाद में छप्पर फाड़ के पैसा कमा के देगा. ये सोच के आपने 5 साल वाला प्रोजेक्ट ले लिया और 5 साल वाकई ऐसे मरे मरे से निकल गए और मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया और ये प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया और बिजनेस बंद हो गया. तो बेटा फास्टर रिकवरी वाले को अगर आप ले लोगे तो आप ज्यादा सेफ नहीं हो जाओगे? क्या कहते हो आप? तो ऑटोमेटिकली इस मेथड को चुनना मतलब सेफ्टी को चूज करना. ये दूसरा फायदा. नुकसान, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. 1 लाख लगाए 20-20 हजार कमाए, या 3 लाख लगाए 1-1 लाख हर साल कमाए तो 3 साल में वसूल. अरे भाई 3 साल में 1-1 लाख मिलेंगे तो उसकी वैल्यू 3 लाख से तो कम है आज. इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एक नुकसान, इट इग्नोर्स कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड. 3 साल तक, अभी इसमें तो पूरे 10 साल तक 1-1 लाख कमा रहे हैं. मान लो 3 साल तक 1-1 लाख कमा रहे हैं और 4th साल से 1-1 हजार रुपए कमाना शुरू कर दें. इसमें सुनना ध्यान से, अभी डिसीजन देना सब लोग सुनो. 3 साल तक 1-1 लाख और 4th साल से 1-1 हजार की कमाई, इसमें पूरे 10 साल तक 1.25 लाख की कमाई. Why is better? एक्चुअली पे बैक पीरियड मेथड की कमजोरी है कि ये बियॉन्ड पे बैक दिखता ही नहीं है. उसके बाद प्रोजेक्ट अच्छा है कि खराब है इसको कंसिडर नहीं किया. इन कमजोरियों के चलते इस मेथड के कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी डेवलप हुए, वो हम बाद में पढ़ेंगे. आप एक होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8, घर जाकर के आज से क्यूमुलेटिव रिवीजन चालू कर दो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जितना कैपिटल बजटिंग हमने पढ़ा है अभी तक, आज वो सब रिवाइज भी करो क्योंकि अभी होमवर्क कम है. क्वेश्चन नंबर 8, पी ऑफ लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स मोस्टली ऑन हैंड लेबर एंड इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस इट बाय न्यू मशीन. हैंड लेबर की जगह मशीन. देर आर टू ऑल्टरनेटिव मॉडल्स एम एंड एन ऑफ द न्यू मशीन. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग द पे बैक पीरियड फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एक लाइफ 4 साल, एक लाइफ 5 साल, एक 9,000 कॉस्ट ऑफ मशीन और एक 18,000. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है 9,000 और 18,000. ये फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आएगा. Estimated saving in raw material, estimated saving in direct wages.
ये है एनुअल कैश इनफ्लोज लाइक सेल्स. एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कैश आउटफ्लोज मतलब कैश एक्सपेंसेस. पहले दो को जोड़ेंगे, बाद वाले दो को घटा लेंगे. इग्नोर टैक्सेशन कर लेंगे आप इसको. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. डू इट. थैंक यू. सी यू टुमारो.